हाउ टू लुक मोर हॉट एंड अट्रैक्टिव। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा यही होने वाला है कि हाउ टू लुक मोर हॉट एंड अट्रैक्टिव। अब सबको देखो भाई, हॉट एंड अट्रैक्टिव तो दिखना है, बट कैसे दिखें वो कई लोगों को पता नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को यही बताने वाला हूँ कि हाउ टू लुक मोर हॉट एंड अट्रैक्टिव, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो कौन सा आ जाता है। तो वो आ जाता है गुड हाइजीन। तुम्हें गुड हाइजीन रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली यार, गुड हाइजीन के ऊपर ना मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो तुम मेरे चैनल पर चेकआउट करके वो सारी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो तुम देख सकते हो। बट अगर जहाँ तक कि मैं बात करूँ कि मेन हाइजीन कौन सी होती हैं, सो वो होती हैं तुम्हारे माउथ से बैड ब्रीथ नहीं आनी चाहिए, तुम्हारे यहाँ अंडर आर्म्स में से नहीं आनी चाहिए, तुम्हारे हेयर वेल मेंटेन रहना चाहिए, बियर्ड ट्रिम करते रहना चाहिए, और भी कई सारी चीज़ें जो कि तुम्हें करते रहना चाहिए। बट मेन जो थी वो मैंने तुम लोगों को बता दी है। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट है वो आता है कीप ए गुड हेयर कट एंड ट्रिम देम। यार ये तो बहुत ही ज़्यादा मेन है। एक्चुअली यार, तुम किसी चीज़ पे फोकस करो या ना करो, केवल इन दो चीज़ों पे फोकस कर लिया ना, तो भाई तुम बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे। अब माना कि जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनमें से काफ़ी सारे लोगों की बियर्ड नहीं है, आई नो योर बियर्ड नहीं है, बट हाँ थोड़ी मोड़ी है ना, तो तुम उसे ट्रिम कर सकते हो। और अगर ज़्यादा आ रही है तो भाई तुम अगर उसे स्टाइल में रखना चाहते हो तो तुम रख सकते हो, देख सकते हो। मैं ना हफ्ते में दो बार तो ट्रिम कर ही लेता हूँ, ताकि यार एक इंच भी जो मेरी बियर्ड है ना यार, वो ज़्यादा बड़ी ना हो, नहीं तो यार फिर ना अभी मेरी एज नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए अगर मेरी बड़ी बियर्ड आएगी ना तो भाई वो घुंघराले टाइप के होने लगते हैं। तो जब एज आएगी, मतलब एज थोड़ी सी ओवर हो जाएगी, थोड़ी ज़्यादा एज हो जाएगी ना, तब जो मेरी बियर्ड है वो अच्छे शेप में आने लगेगी। फिलहाल तो अभी मैं ट्रिम करके रखता हूँ, क्योंकि मेरी जो बियर्ड है ना वो प्रॉपर अच्छे से नहीं आ पाती है, तो इसलिए ट्रिम करके तुम भी रख सकते हो। एंड जो तुम्हारे हेयर हैं उसको तुम्हें महीने में एक बार जाके या एक दो महीने में एक बार जाके, तो यार तुम लोग अपने जो हेयर है ना वो सेट तो करवा ही लेने होंगे, जो कि ज़्यादा सही रह सकता है। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है क्लोथिंग। अब यार देखो, क्लोथिंग तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम कहीं जा रहे हो अपनी नानी मौसी ताऊ फूफा बंदी के घर, मतलब सॉरी बंदी के घर मत जाना, नहीं तो उसके माँ बाप तो भाई तुम्हें तोड़ तोड़ के बुरा हाल बना देंगे। सो इसलिए मतलब अगर तुम्हें अपनी क्लोथिंग आइटम सही कर ली ना, कि यार तुम लोगों को पैंट किस टाइप की पहननी है, शॉर्ट किस टाइप की पहननी है, टी शर्ट किस टाइप की पहननी है, ब्लेजर किस टाइप का वियर करना है, कुर्ता किस टाइप का पहनना है, सदरी किस टाइप की पहननी है, मतलब ये सारी चीज़ें, ये तो ही मैंने कमी बताई, लेकिन हाँ और भी कई सारी चीज़ें होती जिसे तुम्हें वेल मेंटेन रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मतलब यार जो कपड़े पहनते हो ना, अब ये नहीं कि जो भी मिले पहनते जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, तुम्हारी बॉडी के हिसाब से भी सही लगने चाहिए। कुछ लोग होते हैं भाई बैगी पहन लेते हैं, सूखे इंसान, तो यार उन पर अच्छा नहीं लगता। अब यार जो हट्टे कट्टे तगड़े बंदे हैं उन पर बैगी टाइप के जो कपड़े हैं, क्लोथिंग आइटम्स, वो ज़्यादा सही लगते हैं। लेकिन अगर तुम हो बहुत ज़्यादा पतले किस्म के इंसान, तो यार तुम स्किन फिट पहनोगे तो ज़्यादा सही रह सकता है। ये थोड़े से और मतलब अपने हिसाब से मेंटेन करके अपनी बॉडी के हिसाब से पहनोगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा रह सकता है। तो मतलब तुम लोगों ने अपने जो कपड़े हैं ना उसका भी बहुत ही ज़्यादा मेन ध्यान देना होगा। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है योर बिहेवियर। अब यार बिहेवियर इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। अब तुम कहोगे भाई बिहेवियर किस टाइप का रखें, तो भाई बिहेवियर के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर तुम लोगों को गुड परफेक्ट एंड बेस्ट बिहेवियर जानना है ना, तो मेरी वो वाली वीडियोस देख सकते हो। अगर तुम लोगों को ऊपर से जानना है तो वो मैं तुम लोगों को बताया। तो बिहेवियर मतलब एक गुड टाइप का नेचर होना चाहिए, और ये भी नहीं कि भाई चश्मा लगा के चंपू से बाल रखे बड़े ऐसे सीधे चल रहे हो। मेरी वीडियो देख के भाई तुम अगर ऐसे चलोगे तो भाई हाथ जोड़ के भाई चले जाओ यहाँ से, क्योंकि यार ये चैनल तुम्हारे लिए नहीं है, ये गुंडे बदमाश ऐसे थोड़ा सा छपरी लड़कों के लिए, मतलब छपरी तो नहीं भाई, छपरी कैटेगरी अलग हो जाएगी, लेकिन हाँ थोड़े से ओवर स्मार्ट बंदों के लिए है ये चैनल। क्योंकि यार अब देखो, सीधा बनने से तो इस दुनिया में काम हो नहीं सरा, इसीलिए तुम लोग को थोड़ा सा हटके थोड़ा सा बैड गाय बनना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर तुम लोग को एटीट्यूड चाहिए तो तुम लोग को भाई बैड गाय की तरह एटीट्यूड रखना होगा, जो कि ज़्यादा सही रह सकता है। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है टेक ए गुड केयर ऑफ योर बॉडी। बॉडी की भी भाई अच्छी केयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब कुछ लोग होते हैं ना भाई पतले से होते हैं, फिर भी अपनी बॉडी पे ढंग का केयर नहीं करते ना खाने पीने में। यार कुछ लोग होते हैं खाने पीने में भी केयर करते हैं, लेकिन उनकी खाने मतलब जो खाना है ना उनको शरीर को नहीं लगता, फिर भी वो पतले रह जाते हैं। तो भाई उनमें से एक मैं भी हूँ, मतलब यार जितना भी खाया पिया खाता पीता था मैं बहुत यार, लेकिन थोड़ा सा शरीर को नहीं लगता। हाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा कम माइनर टाइम में लगता है, मतलब यार जितना खाओ ना उतना नहीं लगता, उसका बहुत ही छोटा परसेंट लगता है मेरी बॉडी को, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन हाँ अब ये नहीं कि भाई कितने लोग, कुछ लोग होते हैं ना उनके बॉडी को खाना लगता है लेकिन वो फिर भी नहीं खाते, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम लोग को भरपेट दबा के खाना होगा, जिससे कि तुम्हारी जो बॉडी है ना भाई वो हेल्दी भी रहेगी। ये नहीं कि भाई अंड चीज़ें जो हैं वो छूसे जा रहे हो, पिज़्ज़ा बर्गर सैंडविच ऐसी चीज़ें छूसे जा रहे हो, तुम्हें ये सब नहीं
नहीं ठूसना है, तुम लोग हेल्दी वेजिटेबल्स जो है, हेल्दी खाने जो है वो खाने हैं, जिससे कि तुम्हारी जो बॉडी है ना वो हेल्दी फैट गेन करेगी और तुम्हारी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए तुम लोग अपनी बॉडी पर भी ध्यान देना होगा, एंड वो बॉडी को इंटरनली तो ध्यान देना ही होगा, एंड एक्सटर्नली मैं बता दूँ, जैसे कि तुम्हारी बॉडी पर अनग्रूम्ड हेयर वगैरह है छाती वाती पर, तो भाई तुम्हें इसको भी क्लीन कर लेना होगा, और भी कई जगह प्राइवेट पार्ट की जगह हेयर है तो उसको भी क्लीन कर लेना होगा, जो कि ज़्यादा सही रह सकता है। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है हैव ए पैटेट। हैव ए पैटेट मतलब क्या होता है, पैट 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 पैट, जानवर वाला पैट समझे। अब यार देखो, अब अगर तुम्हें हॉट एंड अट्रैक्टिव दिखना है ना, तो भाई तुम लोग अपने संग एक कुत्ता पालोगे ना तो भाई बहुत ही ज़्यादा सही रह सकता है। कुत्ते पालने के तुम्हें दो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, तुम्हारी लाइफ स्टाइल एक नेक्स्ट लेवल तक जाएगी, एंड जो सेकेंड इज की कुत्ते वफादार होते हैं, समझ रहे हो ना। तो इसलिए यार तुम लोगों को ना अपने मतलब एक पेट से भी प्यार करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी नहीं है कि पालो ही। अब यार जैसे कि तुम लोगों ने किसी और के कुत्ते को देख लिया, अब उसको देख के दूर मत भागो, यार मुझे डर लगता है मैं नहीं आ रहा, अरे यार सीधा चलो यार। बिल्ली देख ली, उसको थोड़ा सा सर पे हाथ फैला सकते हो, मतलब जब तुम ऐसे ऐसे बिहेवियर देखो करोगे ना पेट्स के संग, जानवरों के संग, और कोई भी अगर तुम्हें नोटिस कर रहा है तो भाई वो तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाने वाला है। एंड भाई यही नहीं कि दूसरे फिदा हो जाएंगे, अगर तुम किसी जानवर को किसी एनिमल को प्यार कर रहे हो तो भाई वो भी तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव करने वाला है। काफ़ी लोगों मैंने देखा यार उनके घर पर एक कुत्ता होता है, वो एक कुत्ता पालते हैं, लेकिन अगर कहीं बाहर भी जा रहे हैं घूमने के लिए, उन्हें कोई दूसरा कुत्ता भी दिख गया तो भाई उसको भी ऐसे आराम से प्यार कर लेते हैं, भाई कुत्ते भी उन्हें कुछ नहीं बोलते। मतलब यार अजीब ही टाइप का जो कनेक्शंस है ना इंसान और कुत्ते के बीच में या पेट्स के बीच में हो जाता है, जिससे कि पेट्स जो है ना वो इंसानों को कुछ भी हार्मफुल नहीं करते हैं, ऐसा हार्मफुल नहीं पहुंचाते, जो कि ज़्यादा अच्छा रह सकता है। तो इसलिए अगर तुम लोगों के पास पेट है नहीं भी है, तुम पाल सकते हो, अगर पालने का मन नहीं कर रहा तो जो दूसरे पेट्स हैं उनको प्यार कर सकते हो, जिससे कि तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी फील आने वाली है, एंड तुम लोगों की जो पर्सनैलिटी है वो हॉट एंड अट्रैक्टिव भी बनने वाली है। तो दोस्तों बस मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था, देन मुझे मिलते हैं तो दोस्तों बस मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था, मिलते हैं ऐसी मस्त एक्साइटिंग एंड अट्रैक्टिव वीडियो जिसके साथ में, कर देना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कुछ, बाय बाय।